मैं दिशा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ विदर्भ टैलेंट के एक और नए और अमेजिंग एपिसोड में। जिस तरीके से आपको पता है कि विदर्भ टैलेंट इस शो में जितने भी विदर्भ के टैलेंट है हम उनको और सामने लाते हैं, उनको और निखारते हैं ताकि वो और जो है अपलिफ्ट हो। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही सुनील वाघमारे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर ने ना सिर्फ सिंगिंग बल्कि बुक्स पढ़ने के इसमें भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है, इस बारे में हम जानेंगे। बट इसके पहले मैं मेरा सबसे पहला सवाल जो है सर आपसे ये है कि ये जो सिंगिंग की करियर की शुरुआत थी ये किस तरीके से हुई और कैसे आपका लगाव सिंगिंग के प्रति उजागर हुआ? मैं रवि साहब को बहुत मानता हूँ गायकी के मामले में और मेरे आइडियल हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। उनके गाने और उनका सब कैरियर मेरे आंखों के सामने है और मैं उनको पढ़ता हूँ और मेरे अपने कैरियर को संवारने में उनका दामन थाम कर चलने में मुझे बहुत खुशी है और मैंने आज तक उनका दामन थामे ही अपना कैरियर बनाया है। ये कैरियर की शुरुआत 1978 से लेकर 1983 तक मैं भजन गाता था। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ वर्धा जिले से। तो ये 83 में एक प्रतियोगिता हुई, उसमें हम कुल उस विदर्भ के कम से कम 200 लोग शामिल थे और उन 200 लोगों में एक 8-10 लोग चुने गए थे और 10 लोगों में मैं शामिल था। और ये सिलसिला तब से जो शुरू हुआ रवि साहब का दामन थामकर, तो उस टाइम पर रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिसमें हम लोग हर बुधवार को बिना का गीतमाला और वो सुनते थे और गीतों को लर्न करते थे कि रफ़ी साहब का कौन सा गीत या फिर अन्य पार्श्वों का कौन सा गीत कैसा आया है, कैसे गाते हैं वो। फिर रफ़ी साहब के अलावा उनके नक्शे कदम पर चलने वाले जो लोग थे जैसे शब्बीर कुमार साहब थे, मोहम्मद अजीज साहब थे, अनवर साहब थे, बाकी अन्य पार्श्व गायक जैसे विपिन सचदेवा, मंगल सिंह और बहुत सारे ऐसे देवाशीष दास गुप्ता, सोनू निगम और ऐसे लोगों को हम लोग देखते चले आ रहे हैं बरसों से और उनको वो कैसा गाते हैं और कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं और उनके गायकी का क्या ढंग होता है, तो ये सब देखते 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 हम रफ़ी साहब के उन गीतों की तरफ कैसे मुड़ गए पता ही नहीं चला। और ये सफ़र जो है वो तब से शुरू ही है बिल्कुल, तो आज भी जारी है, आज भी वो सफ़र हम लोग चल ही रहे हैं उस सफर। ओके सर, कहीं ना कहीं एक मतलब जिस दौर में आपने जो है सिंगिंग शुरू की उस टाइम एक्चुअली ऐसा था कि कहीं ना कहीं रियलिटी शोज कम थे या फिर अभी जैसे युवाओं को है कि वो इंस्टा पे या फेसबुक पे कोई सोशल मीडिया साइट पे अपने गाने वगैरह डाल दे तो उसके थ्रू उनको जरिया मिल जाता है, तो तब क्या था जरिया जिसके थ्रू आपने ये सिंगिंग शुरू की और उसके बाद आपको पब्लिसिटी मिली? तब कोई जरिया नहीं था, बस प्रतियोगिता होती थी कहीं ना कहीं, तो हम लोग अपना गायकी का हुनर तराशने के लिए उस प्रतियोगिता में भाग लेते थे और प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम जहाँ होते थे जैसे बड़े बड़े मुंबई के पूना के ग्रुप यहाँ आते थे धनवटे रंग मंदिर में या देशपांडे हॉल में, तो सबसे पहला नागपुर का सबसे बड़ा हॉल धनवटे हुआ करता था और धनवटे में ही हमने उन गायकों को सुना जो आज हम उनके साथ गाते हैं, उनके साथ मन शेयर करते हैं। और रही रियलिटी शो की बात, तो रियलिटी शो अपनी जगह है क्योंकि तब हम कोई ब्लेम नहीं कर सकते उनके ऊपर, वो अपनी जगह सही है, एक नए लोगों को प्लेटफॉर्म देना, नई प्रतियोगिताओं को निखारना, ये बहुत अच्छा उन्होंने एक मुहिम शुरू किया है और उसके तहत जो नए गायकों को वो चांस देते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, वो पहल बहुत अच्छी है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है और चाहे सारेगामा हो या फिर इंडियन आइडल हो या राइजिंग स्टार हो, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हिंदी मराठी और अन्य विभिन्न विभिन्न भाषाओं में आजकल वो चैनल पे आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक अच्छा एक दर्पण जो हम कहेंगे वो, अगर मान लो कि किसी प्रतियोगिता में हमें भाग लेना है तो उसके पूर्व जो तैयारी करनी पड़ती है तो उस तैयारी में ही कुछ निखर कर सामने आता है और बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने हर गायक ने उसका ख्वाब देखना चाहिए और उसमें जाकर अपना नसीब जो है वो आजमाना चाहिए, अच्छा है।
आसर कहीं ना कहीं आपने बताया कि जिस तरीके से भक्ति गीतों के जरिए आप पहले भगवान के गाने गाते थे, सीडियों में रिकॉर्ड किए जाते थे, उसके बाद ये रिकॉर्ड तक का सफर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैम। दरअसल क्या है, विदर्भ में जो जितने सारे देवस्थान हैं हम लोग जहाँ जाते हैं, जैसे पारर सिंगा अनसुया माउली का जो दरबार है वहाँ, या फिर बाबा ताजुद्दीन, या फिर गजानन महाराज, फिर शिरडी, तो ऐसे विदर्भ के जितने भी देवस्थान हैं वहाँ ऐसा कोई देवस्थान नहीं बचा जहाँ तक मेरे जानकारी में कि कोई छूटा हो। एक दो ही छूट गए होंगे तो मालूम नहीं, मगर वहाँ के हर 2000 लगभग 2000 के करीब करीब ये सिलसिला शुरू हुआ और 2010 तक के ये सिलसिला जारी रहा, 9 तक के जारी रहा। इसलिए क्योंकि बाद में फिर वो VCR, ये CD-VD, ये चलना, ये सब बंद हो गया, फिर वो धीरे धीरे बंद होता गया और वो दुनिया जो है हमारी वो चीप में समा कर रह गई। आज हम मोबाइल पर ही उसको सर्च कर लेते हैं, गाना डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो सारी शॉप बंद हो गई, VCR बंद हो गया, वो सब वो जो सुविधाएं थी वो सारी बंद हो गई। रिवर्स फॉरवर्ड करके जो गीत सुनने का जो मजा आता था वो बंद हो गया। भले ही रेडियो अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन आज भी रेडियो, आज भी मुझे, मेरी जानकारी में आज भी रेडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेडियो पे ठीक है, आपके पास सारी सुविधा है, आप मोबाइल पे कोई गाना सर्च कर लेते हो, कोई बात जो है वो पूछ लेते हो गूगल से कि भाई कैसा। लेकिन उन दिनों सिर्फ हमारे टाइम पर हम लोग बुधवार का इंतजार करते थे कि हर बुधवार को एक गाना आए और फिर वो हम लोग फिर सुने, उसको लर्न करेंगे, ये सब होता था। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और कैसेट्स जो हैं वो 2002 से मैंने शुरू किया ये सिलसिला, तो वो 2010 तक के चलता रहा। उसके बाद में रिकॉर्ड के बारे में मालूमात हुआ तो रिकॉर्ड की तरफ मैंने कहा यार ये कर सकते क्या, मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये कर सकते। तो आज मैं बताता चलूँ कि जब मैंने वो सारा कर लिया और मैं जब आज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ आप शिद्दत से पूरे दिलो दिमाग से अगर करेंगे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आप उसको मुमकिन कर ही लेंगे, क्योंकि आपने अगर उसको बहुत अंदर की जो गहराई होती है उसके तहत अगर आप चले गए तो उसको आप पाते हैं। तो मैंने ये सिलसिला 2000 से शुरू किया और 2000 के करीब करीब शुरू हुआ और तब से ये चलता रहा। और सबसे पहला रिकॉर्ड है जो 62 घंटे का था, वो नागपुर के किसी गायक ने किया था, बाद में वो गुजरात चला गया, वो 72 घंटे का हो गया वो रिकॉर्ड जो मैंने किया था, तो जिसको लॉन्गेस्ट सिंगिंग मैराथन बाय इंडिविजुअल कहेंगे। तो हमने उसको अप्लाई किया गिनीस से, तो वो 62 घंटे चला गया। वहाँ से फिर एक और नए गायक तैयार हो गए नागपुर में, उन्होंने 80 घंटे गा लिया। आप सभी जानते हैं स्ट्रगल्स बढ़ते, बिल्कुल बढ़ते गए, स्टेजेस बढ़ते गए। नागपुर शहर के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, समाजसेवी थे, जिनका नाम था उमेश बाबू चौबे, जिनका कुछ सालों पहले देहांत हो गया, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। तो उन्होंने वो कला सागर की तरफ से मुझे चांस दिया उन्होंने कि भई आप आगे हो जाओ, हम आपको चांस देते हैं। तो उन्होंने पत्रकार भवन में वो कार्यक्रम लिया था, तो 80 घंटे का जो प्रोग्राम था वो फिर मैंने उसको मैंने हाथ में लिया और मैंने कहा कि मैं उसको गाऊंगा, देखते हैं कितना अपन कर सकते हैं। वो वापस 92 घंटे चला गया, वही लेडी ने 92 घंटे कर लिया उसको, और स्ट्रगल में और दिमाग कैसे 80 घंटे का आ रहा था तो वो 92 घंटे पे चला गया, तो अब कैसा करेंगे। और इधर मेरा दिल बढ़ता जा रहा कि यार इतना बड़ा हम लोग कैसा कर पाएंगे, और सचमुच वो मेरे लिए बहुत चैलेंज था। आप सभी जानते हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, नागपुर शहर की जनता ने, और जिन लोगों ने देखा उसे, उसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे बनाया, आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं, आप नहीं होता आज। तो वो जिद में मैंने कर लिया उसको, तो वो 80 घंटे का रिकॉर्ड जो है मैंने जब हाथ में लिया उसको, तो जब मैं कर ही रहा था तो फिर और खबर आई कि जो 72 घंटे जिन्होंने किया उन्होंने वो 83 घंटे का कर लिया था, जो 80 घंटे नागपुर के किसी गायक ने गाया था, तो वो 83 घंटे का हो गया। तो मैंने कहा कि मैं उसको और आगे बढ़ाता हूँ, तो हाथ में लिया तो वो फिर वापस 92 घंटे का हो गया। तो जब मैंने रिकॉर्ड पत्रकार भवन में मैं कर रहा था, तो
वो रिकॉर्ड 92 घंटे का रिकॉर्ड मैंने 93 घंटे 25 मिनट गाकर उसको ब्रेक किया था। लेकिन मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को 100 आवर्स के लिए मतलब 100 घंटे गाऊंगा ऐसा बोला था, और लोगों ने सुन भी लिया था उसको। आप जैसे लोगों ने कि भाई सुनील जो हैं वो अभी 100 घंटे गा रहे हैं, तो मैं 100 घंटे नहीं कर पाया उसको, 93 घंटे 25 मिनट गाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो हो गया। फिर नागपुर शहर के एक ऐसे इंसान जिन्होंने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाई वो थे डॉक्टर पिनाक दंदे साहब, मेरे परम मित्र नरेश डोंगरे, वो लोकमत में पत्रकार हैं। उन्होंने मुझे नागपुर शहर के एक, तब वो सकाड़ पेपर में मुख्य संपादक थे, उनका नाम था भास्कर राव लोंडे, उनसे मिला है और उन्होंने कहा कि ये मकसद लेकर आए हो, पहले 93 घंटे 25 मिनट गाया है इन्होंने, तो 100% मुझे गाना है साहब, और मैं इकोनॉमिकली उतना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आप मुझे थोड़ा सा मदद करिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं आप ये तारीख को आ जाओ। तो मैं उस तारीख को नरेश डोंगरी जी के साथ उनसे मिलने गया, तो उन्होंने भास्कर राव लोंडे ने डॉक्टर दंदे साहब को वहाँ पे बुला के रखा था, और उन्होंने पहली मुलाकात कराई मेरी भास्कर राव लोंडे साहब के घर। तो मेरे ख्याल से ये 23 तारीख की बात है, तो 23 फरवरी, तो 23 फरवरी को ये बात तय हुई कि ये सामने वाला कोई व्यक्ति है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहता है, तो क्या उसमें आप इनको थोड़ा सा गाइड हाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं सोचते हैं, 26 तारीख को आप मिलिएगा ऐसा उन्होंने बोला, फरवरी की 26 तारीख, 2 दिन बाद महीना जो है ख़त्म होने वाला था, और उन्होंने 26 तारीख को मुझे बुलाया बाकायदा, मैं तैयारी के साथ गया और मेरा फेस रीडिंग उन्होंने कर लिया कि ये कुछ ना कुछ उम्मीदें लेकर आया है। तो पता नहीं कहाँ से ये सब दुआएं बरसी, बाबा ताजुद्दीन सरकार की समझ लो या फिर अन्य संतों की, जिन्हें मैं सब विदर्भ के सारे संतों को मानता हूँ, और मैं बहुत डिवोशनली हूँ, मैं जब तक ये भगवान को प्रणाम नहीं करता तो मैं बाहर नहीं निकलता उनका, मैं समझता हूँ कि ये सांसें उन्हीं की दी हुई है, तो ये सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है, अगर ये मान के चले तो बहुत कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। तो थोड़ा सा मैं इमोशनली हूँ। तो 26 तारीख को मैं उनको मिलने के लिए गया, और मैं जब उनके सामने बैठा तो वो मुझे ऐसी तिरछी नज़र से ऊपर से नीचे देखने लगे कि ये कैसा क्या, और मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि मालिक होने देना ये काम मुझे, हो ना जाए हो जाए, हो बस जाए हो बस हो जाए जाए बस हो हो जाए। जाए। तो ऐसा ये सिलसिला चलता रहा, और मैं कभी उनको तो वो कभी मुझे कनखियों में देखते थे, और फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है सुनील देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसको कितना खर्चा आता है। उन्होंने मुझे एक, वहाँ कोई संत आके बैठे हुए थे, वो सोनेगांव देवली के पास कोई सोनेगांव है, वर्धा जिले की देवली, देवली के पास सोनेगांव है, वहाँ से एक आबाजी महाराज संस्थान से कोई संत आए थे, वो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। तो बोला चलो ठीक है आपका ये हो रहा है ना कोई बात नहीं, तो उन्होंने मुझे बैठ वहां लेके गए। बोला बाबा नमस्कार, बोला नमस्कार, बोले ये सुनील है बाबा, ये इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 93 घंटे 25 मिनट गाया है, और अब ये मुझसे उम्मीदें लेकर आए हैं कि ये 100 घंटे करना चाहते हैं, तो क्या ये कर पाएंगे। उन्होंने सवाल छोड़ दिया और एक 30 सेकंड के लिए वहां पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, मैं कभी बाबा को देखता बाबा मुझे भी देखते, और वो सिलसिला बिल्कुल ऐसा चलता रहा 30 सेकंड तक। अचानक बाबा चेयर पे बैठे हुए खड़े हो गए, बोले होता ना सब काम हो जाएगा आप तैयारी कर लो। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, धोती भी सफेद थी कुर्ता भी सफेद था बिल्कुल, और 30-35 सेकंड के बाद उन्होंने स्वीकृति दे दी कि सुनील कर कर लोगे। लो तो इन्होंने बाहर लाकर मुझे बोला कि सुनील आप तैयारी कर लो। 26 फरवरी को ये फाइनल मिला मुझे, 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, यानी 2012 की बात बता रहा हूँ, ये फरवरी जो मैं बताया मैंने आपको ये 2012 की बात है। तो उन्होंने तुरंत ऑफिस में बुलवाया, और जिन जिन लोगों को मैंने पहले ही शर्त रखी थी उनको कि साहब ऐसा ऐसा है इन लोगों को थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा, तो उन्होंने ऑफिस में बुलाकर सारे चेक साइन कर दिए और सबको पैसे दे दिए, और ये 7 मार्च से लेकर सॉरी 3 मार्च से लेकर सात सात मार्च मार्च 2012 हाँ रामगोपाल माहेश्वरी भवन का ऊपर वाला जो कमरा था हॉल था वहाँ पे मैंने, ये अभी नया बना हुआ है वो, तब पुराना था 12 में, और ये 4-5 साल हो गए नया किया शायद उन्होंने, तो वो
आप यकीन जानिएगा, मैं 105वें घंटे में भी उतना ही ताजा था जब मैंने शुरुआत की थी। इतना जबरदस्त, यानी ब्लेसिंग के साथ मेरा 2012 में 3 मार्च से 7 मार्च 2012 में वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 घंटे नहीं बल्कि 105 घंटे मैंने गाया। और ये सारे साधु संतों का आशीर्वाद था, आप लोगों का प्यार था जो आप लोगों ने मुझे दिया, और ये सब आपकी वजह से हुआ। आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं। असर कहीं ना कहीं हमें ये भी आपके बारे में पता चला कि पुस्तकें पढ़ने के भी आप शौकीन है, और वो पुस्तकें आप इतना पढ़ना पसंद करते हैं कि आपने उसमें भी एक रिकॉर्ड बना के रखा है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है कि ये जो आपको पसंद है और आपने उसका रिकॉर्ड नहीं बनाया? नहीं, दरअसल मुझे अपने टाइम पर मैं उपन्यास बहुत पढ़ता था, गुलशन नंदा की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ रखी थी। कभी लाइब्रेरी में जाना, मुझे लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और ऐसा ही ये रूटीन आज भी चलता है। मैं जब सब सुबह एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ तो आते आते मैं लाइब्रेरी, हमारे घर के पास लाइब्रेरी है तो वो लाइब्रेरी में जाता हूँ और विभिन्न विभिन्न जो पेपर है वो पढ़ के हेडलाइन पढ़ता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो उस दिन थोड़ा सा फुर्सत में बढ़ गया, संडे का दिन था, तो मेरी बीवी वो फ़ोन लेकर घर से आई, बोले क्या इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है आपको, आपके लिए कोई फ़ोन आया हुआ है बार बार, उससे आप बात कर लीजिए। दरअसल मेरा एक ग्रुप है, म्यूजिकल ग्रुप, तो उसके सिलसिले में मुझे बात करनी थी। कोई मुझसे बार बार रायपुर से बात कर रहा था, तो वो फ़ोन आया तो फ़ोन अटेंड कर लिया बाद में। तो ये बात मेरे बेटे सुमित ने भी, बाबा देखो ना, बोले सुमित ये लाइब्रेरी में घंटों जाके बैठे रहते पढ़ते हैं, इतना क्या रिकॉर्ड बना रहे हैं वहाँ पर भी। तो थोड़ा सा वो रूडली हो गई थी, थोड़ा सा नाराज़ भी हो गई थी। तो सुमित ने देखा बैठे बैठे, तो उसमें सर्च हो गया, वो तमिलनाडु या कोई चेन्नई का कोई आदमी था जिसने विभिन्न विभिन्न भाषाओं के जो बुक पढ़ रखे थे, 25 घंटे के थे वो, 25 घंटे का रीडिंग था। तो मैंने उसमें तुम्हारे जैसे ने सवाल कर लिया कि भाई इसमें क्या पढ़ सकते हम, तो मैंने खुद ही अपने आप से सवाल किया और ले आया कुछ अखबार, कुछ उपन्यास वगैरह सब, और इसमें थोड़ी सी जानकारी लिया मैंने। वो 93 घंटे 25 मिनट मैंने पत्रकार भवन में किया था, उसमें बहुत सारा मेरे साथ में फ्रॉड हुआ था, आप सभी जानते हैं, यहाँ बोलना उचित नहीं है, लेकिन 93 घंटे 25 मिनट जब मैं गाने के लिए बैठा था, तो 100 घंटे गाने के लिए बैठा था, तो 93 घंटे 25 मिनट तक ही मेरे साथ में हो पाया, वो उतना ही कर पाया मैं, वो कुछ कारणवश मैं आगे नहीं कर पाया। तो वो सारा आइडिया, सारा वो जो एक्सपीरियंस था उसमें, इसमें मुझे डर लगने लगा था कि कहीं इसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने वो सारी बारीकियाँ जो हैं वो 1 महीना 1.5 महीना उसकी बारीकियाँ सीखी, उसको बाकायदा अभ्यास किया, उसके बाद मैं उतरा अच्छे से सारी चीज़ें। 50 घंटे फिर मैंने वो गीता मंदिर में मैंने 50 घंटों का रिकॉर्ड किया था। रिलीजियस बुक पढ़े थे, बाबा ताजुद्दीन की जीवनी, साईं बाबा की जीवनी, और गजानन महाराज का चरित्र ग्रंथ, विजय ग्रंथ, और अन्य साधु संतों के जितने, राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज जी के हैं, मेहर बाबा के हैं, और बहुत सारे विदर्भ के जो संत हैं उनकी, मैं महाभारत, रामायण, इतने सारे 50 घंटे में पढ़ लिया, तैयारी के साथ में पढ़ा था, तो वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था मेरा। ओके जी। सर कहीं ना कहीं आपने अब तक जितनी बुक्स पढ़ी, क्या इसमें सिर्फ संतों की बुक ऐसी ही क्लासिफिकेशन है, या फिर अब दूसरे भी बुक्स जो है, दूसरे ऑथर्स की बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं? बिल्कुल पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है। उसमें आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो उसमें विभिन्न विभिन्न भाषाओं की विभिन्न विभिन्न क्या कहेंगे उसको, राइटरों की लिखी हुई बुकें रहती हैं, बहुत सारी बुकें पड़ी होती है वहाँ। तो हमने कभी अब्दुल कलाम साहब की तरफ हम लोग जाएँ तो उनकी बुक अगर मिल गई, तो किसी अच्छे लेखक की अगर गुलशन नंदा की उपन्यास या अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबें अगर वहाँ हैं, तो हम लोग उसको, मैं जब तक कि वो पूरा नहीं पढ़ता तब तक कि वहाँ से उठता ही नहीं मैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, भले ही 1 घंटा पढ़ूंगा मैं, और मैं ठान लेता हूँ कि मैंने आज ये बुक करनी है, ये बुक पढ़ना है, तो करनी है करनी है, चाहे वो कॉमिक्स भी पढ़ लेता हूँ, मैं मायापुरी भी पढ़ लेता हूँ, यानी मुझे आज भी सीरियल में वो कार्टून देखना बहुत पसंद है, मुझे आज भी कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं और कॉमिक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं पढ़ने का शौक रखता हूँ। तो कहना कि अगर आपको डेली बेसिस पे पेपर पढ़ने के लिए कितना समय लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ने के शौकीन है, तो ये तो है नहीं कि आप पेपर सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते होंगे, आप अच्छे से उसको पढ़ते होंगे, तो फिर भी आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है पेपर पढ़ने में? आधा घंटा कम से कम, आधा घंटा, आधा पौन पूरा घंटा, पेपर बिल्कुल बिल्कुल, आधे पौन घंटे तक मैं पढ़ने का शौक रखता हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता, आधा पौन घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 1 घंटा हो जाता है। रूटीन बना लेता हूँ कि इतने बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद में पेपर पढ़ना है, फिर उसके बाद नहाना है, पूजा करनी है, ऑफिस आना है, और किसी और को टाइम दिया हुआ है तो वो टाइम उनसे बिताना है। ओके, कहीं ना कहीं ये भी है कि मतलब जिस टाइम पे आपने सिंगिंग शुरू की, उस टाइम यूजुअली सिंगिंग को प्रोवोक मतलब इतना ये नहीं था कि करियर एज ए, जब आपने उसको चुना, तो कई लोगों ने आपको इस चीज के लिए मना किया होगा,
परिवार वालों ने कुछ ने हामी भरी होगी इस चीज में, तो कई कुछ लोगों ने इस वक्त इनकार किया होगा, तो उस टाइम आपने क्या फेस किया और कितनों ने आपको सपोर्ट किया, इस बारे में जानना चाहिए। देखिए मेरे घर में कोई सिंगर नहीं है, ये मतलब बैकग्राउंड सिंगिंग का है, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ रफी साहब अच्छे लगते उनकी गायकी जो है वो उनके गायकी में ऊपर वाले का वास करता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा गायक सदियों में पैदा होता है, और रफी साहब की बात कुछ और है। कोई भी एक गाना उठा के देख लीजिएगा आप, इतने प्यार से और इतनी मोहब्बत से अगर कोई गाना, अगर वो अगर आप गाना पसंद करेंगे ना, आप वो सुनना पसंद करेंगे, तो आप कोई भी गाना उठा के देख लीजिएगा, रोमांटिक उनके जैसा रोमांस भरा गीत कोई गा ही नहीं सकता। वो अपने आप में एक अच्छे सिंगर हैं, बस वही गायकी जिसको समझ में आती है, जिसको संगीत समझता है, इस बात को भली भांति वो समझेगा कि हाँ मैंने जो कहा वो सच है। अन्य पार्श्व गायक भी हैं, अपनी जगह सही हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह है, कोई कम नहीं। भारतीय संगीत को, हमारे जिस संगीत को 19वीं सदी में हमारे बुजुर्ग जो हैं, मैंने सुन पढ़ रखा था कहीं कि 19वीं सदी में ऐसा होता था कि हमारे संगीत को जब हम लोग होठों पर लेते थे तो थप्पड़ पड़ता था, उसको गाना अच्छा नहीं होता था, गाना बोले तो, यानी अगर कोई गाना गा लेता था तो वो अच्छे कैटेगरी का मालूम नहीं होता था, इतना नफरत थी हमारे संगीत को। तो ये कोठों तक और मुजरों तक के सीमित था हमारा संगीत, आपको जानकर दे दूं मैं, ये कोठों और मुजरों तक सीमित था हमारा संगीत। उसके बाद ये जो है वो धीरे 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 उभर कर आने लगा। तो सदी के सबसे महान गायक जो हैं वो KL सहगल था आपते, जिनको सुनकर ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और मुकेश जी, ये जब उनको फॉलो करते हुए इंडस्ट्री में आए, तो समझिएगा कि KL सहगल साहब में क्या तासीर होंगी, क्या गायकी होंगी उन दिनों। अपने को आप आज हम सिर्फ एक गाने पर फोकस करते हैं कि जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे, समथिंग ऐसा ही मजा किया तौर पर लेके ले लेते हैं हम उसको कि भाई KL सहगल साहब ऐसे कैसे गायक होंगे जब यही गाना ऐसा है, इतना बोर गाना। लेकिन नहीं साहब, बोर गाना नहीं है वो, अपने आप में एक बहुत बड़ा गाना है। और ये तीन सिंगर जो है ये आज हमारे संगीत को, भारतीय संगीत को आसमानी बुलंदियों तक लेके गए, और तब से लेकर ये सिलसिला शुरू है, तो वो अब तक के सोनू निगम से ये अभी जो नए नए गायक हैं उन तक चल रहा है, तो कितना संगीत में ताकत होंगी। सात सुर जो है उसमें सचमुच कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो ये इसी बात का ये प्रमाण है कि ये हमारा भारतीय संगीत बहुत अच्छा संगीत है, और इसको भारतीय फिल्में गायकों ने इसे ऊपर तक लेके गए, और आज ऐसा कोई युवा नहीं है, आप जैसे उम्र के लोग भी भारतीय संगीत को पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, ये ऐसा ये दौर रहेगा। सर कहीं ना कहीं कोरोना का काल भी हमने देखा, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड करना आपको बहुत अच्छा, मतलब रिकॉर्ड बनाना शायद आपकी हॉबी बन गई है, तो क्या कोरोना के टाइम में भी आपने रिकॉर्ड बनाया, इस बारे में जानना चाहती हूँ। दुरुस्त सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल मैं गाय बिना नहीं रह सकता, और गायकी मेरा पेशा है, पागलपन की हद तक मैं कर लेता हूँ, बिना गाय रह नहीं सकता। राज्य सरकार ने एकदम लॉकडाउन कर दिया, और हमारे जैसे कई कलाकार, पूरे दुनिया भर के कलाकार जो है वो धरती पर आ गए एकदम, यानी कहीं पर कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, प्रोग्राम भी नहीं था हमारे लिए, कोई कॉन्सर्ट, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब लोग हम लोग मायूस हो गए। कुछ कुछ दोस्तों से मिलकर हमने, हमारे ही कलाकारों को हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया, और इस दरमियान मैंने सोचा कि हम लोग क्या, इस दरमियान मैं कुछ कर सकता, क्या कर सकता हूँ, मैं गाय बिना नहीं रह सकता, तो मेरे अपने ऑफिस में मैं शटर डाउन करके अपने ऑफिस में मैं अपने ऊपर ही मैं एक थोड़ा सा मैं गाने लगा, एक दो गीत या दो चार गीत या फिर 8-10 गीत, और ये 10-20 गीत, यानी वो सब बाहर बंद हुआ करता था और कोई बाहर नज़र नहीं आता, तो ऐसे में मैं घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था कि कैसा करेंगे। तो मेरे बेटे से मैं हमेशा सवाल कर देता हूँ, मेरा बेटा मुझे गाइड करता है, और मैं मेरे अपने बेटे से पूछा कि ये देखो तो क्या हो सकता है इसमें, तो मैंने सर्च किया, तो गुजरात के कोई थे, भूज कच्छ ऐसा कुछ शहर है, तो वहाँ के कोई शख्स हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया है, उन्होंने 1 घंटा वो गाते थे रोज शाम को 7 बजे। तो मैंने भी सोचा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो मैंने कहा यार मैं तो रोज 2-3 घंटे गाते रहता हूँ, तो क्या ये जो मैं कर रहा हूँ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको रिकॉर्ड बना लेते। तो मैं अपने आप को कमरे में कैद कर लेता था, मैं बाकायदा जो रोज का रूटीन था वो रूटीन मैं अपने यहाँ कर लेता था, और बाकायदा बैठ जाता था,
तो मैंने सर्च कर किया और उनसे परमिशन मांगी बाकायदा, और परमिशन मांग कर फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि मैं इसको पहला दिन, दूसरा दिन और फिर 150 दिन तक के मैंने किया। तो मैं ठहरने का सोच रहा था तो फिर वापस लॉकडाउन लग गया, फिर ये 200वें दिन तक चला गया, फिर वापस लॉकडाउन। तो ऐसा करते करते ये फिर कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो ये 250 दिन तक चला गया, फिर वो फिर 300 दिन तक आया, क्योंकि परमिशन ही नहीं मिल रही थी, आप हॉल में नहीं कर सकते। ऐसे ही लगातार कलेक्टर, जिला कलेक्टर की तरफ से आ रहा था और बाकी के लोगों ने भी समझाया कि भाई इसको आप बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते, वही तुमको आपने 4-6 लोगों के साथ में करना होगा। तो इस मिशन में भी मुझे डॉक्टर दंदे साहब ने बहुत साथ दिया। तो नागपुर शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी जिन्होंने मुझे, मतलब 150वां दिन संपन्न करने के लिए वो मेरे ऑफिस आए, और जिनमें आदरणीय सिराज भाई शेख साहब वो भी थे उस कार्यक्रम में, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, इमरान भाई के साथ में वो आए थे, और बहुत सारे गिरीश गांधी साहब जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, राजीव मुदोजी भोसले हैं उन्होंने सपोर्ट किया, मिलिंद जी एवले हैं उन्होंने सपोर्ट किया, लहानू जी इंगले हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्रदीप जी बोरकर हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो ये लॉकडाउन में ये इनके सपोर्ट की वजह से ही मैं ये कार्यक्रम मैंने फ्लोर पे लिया और उसको 150, 200, 250, 300, 350 और फिर अचानक एक परमिशन आ गई कि भाई आप इसको कर सकते 50% में। तो मैंने चुना कि 400वें दिन में उसको नागपुर शहर के किसी हॉल पे लिया जाए और जिसको 4 लोगों में, मतलब जो लोग आए, पब्लिक आए, 50% लोग आए और उसको लोगों के सामने मैं सेलिब्रेट कर सकूं। तो वैसा ही हुआ, नागपुर शहर की बन गया एक बिल्कुल। तो वो 401 दिन मैंने अभी हाल ही में 30 तारीख को, ये अभी ये नवंबर चल रहा ना, तो 30 अक्टूबर को मैंने वो साईं सभागृह में उसका सेलिब्रेशन किया। ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस कार्यक्रम में। अब नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं और इसमें समय भी थोड़ा जाएगा, तो आप जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सभी का मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया रहता तो मेरा ये कार्यक्रम ही नहीं बना होता, तो ऐसा बन गया वो। आपने कहीं ना कहीं जितने भी युवा है या फिर जितने भी सिंगर्स है उनको भी रिकॉर्ड के जरिए जोड़ा है, इस बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, वो दरअसल कैसा है, हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी हो हम अपने तक सीमित रखते हैं, बहुत सारे ऐसा करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे फील्ड के, मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं और जो नए टैलेंट वाले जो गायक हैं नागपुर शहर में जिनको मंच नहीं मिलता और ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो मैंने मेरे दिल में एक बात आई थी कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जिसको दूसरों को सपोर्ट कर सकूँ। तो मैंने एक इश्तिहार तैयार किया और उसमें एक इश्तिहार तैयार करके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाला, तो जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसको उठाया और मेरे फील्ड के कुछ गायकों को मैंने तैयार किया और बहुत सारे गायकों को तैयार करके बाकायदा मेरे साथ सरगम म्यूज़िक एकेडमी के भरत नरूले थे, तुम्हारे शिव कुमार अवजी थे, मनोज भाई ठक्कर थे श्योरटेक सीनेटेक म्यूज़िक एकेडमी के, और फिर राजेंद्र व्यास भी थे सरेगामा ग्रुप के, और रिटायर्ड डिवाइस साहब, तानकर साहब भी थे। तो ऐसे सारे दोस्तों को मिलकर मैंने एक योजना बनाई और मैंने नागपुर शहर के टैलेंट को साथ में लिया और टोटल ऐसे 65 गायक थे, उन गायकों को मैंने तैयार किया और तैयार करके बाकायदा इसका मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के लिए मैंने अप्लाई किया, अप्लीकेशन किया। वहाँ के संपादक हैं मेरे परम मित्र पवन सोलंकी साहब, उनसे बात किया मैंने कि क्या साहब ऐसा हो सकता, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि 34 सिंगर अहमदाबाद के हैं, तो आप 34 सिंगर जो हैं अहमदाबाद के, आप उनका अगर टैलेंट तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जितने भी होते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं। आज मैंने 105 घंटे गाया तो किसी ने 110, 120, 125, 130, 150 दिनों तक के घंटे तक के गाया होगा। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं पूरे भारतवर्ष में और ये चलता रहेगा। तो उन्होंने मुझे ये वो 34 गायकों का दिया, तो मैंने कहा 35 देख लेता हूँ। फिर मैंने सर्च किया और जब मैंने ये डाला इश्तिहार तो 100 से अधिक लोग आ गए उसमें, फिर उसमें से मैंने चुनिंदा गायकों को चुना, तो 64-65 गायक मिले मुझे और 65 गायकों का रिकॉर्ड नागपुर शहर के अमृत भवन में किया। वहाँ शशिकांत वाघमारे साहब है, उनका सपोर्ट लिया, बाकी जितने भी लोग हैं 65 मस्त टैलेंट और 34 सिंगरों का जो रिकॉर्ड है, मैंने 65 सिंगर जो है नागपुर का टैलेंट लेकर
वो लोगों तक पहुंचाया फेसबुक के माध्यम से, और इसमें मुझे मेरे पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी मंच के तमाम अधिकारियों ने मुझे सपोर्ट किया और बहुत सारे स्पॉन्सर ने मुझे सपोर्ट किया, तब जाके हमारा वो प्रोग्राम हुआ। और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ नागपुर शहर के 65 गायकों को मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के लिए चुनाया है। सर, कहीं ना कहीं आपने मूवी में भी काम किया है, मतलब मूवी में भी सिंगिंग आदि है एज अ प्लेबैक सिंगर, उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि किस तरीके के वो भी एक्सपीरियंस, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और रिकॉर्ड करते हुए भक्ति गीत गाते हुए एक मूवी में सिंगिंग करना, उस बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। जी, 2002 से लेकर 2010 तक के प्राइवेट एल्बम का दौर था, उस दौर में मैंने बहुत सारे एल्बम किए हैं। मैंने सुरेश वाडकर साहब के साथ में गाया है एल्बम जो था मानस है कि अमृत सरिता और हे मानस या बहुत सारे एल्बम हैं। उस दरमियान साधना सरगम जी के साथ में भी मुझे डुएट गाने का मौका मिला और बहुत सारे नागपुर शहर के प्रतिभाओं को उस कैसेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, डिवोशनली सॉन्ग। तो ये बात कहीं ना कहीं एक टीम जो है वो नागपुर में आई थी और उनको लोकेशन जो है वो ढूंढते ढूंढते वो लोकेशन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का लोकेशन पसंद आया। वो वहाँ तक लाने में मेरे परम मित्र है महेश साकनकर और नाना मिसाड़। तो नाना मिसाड़ ने कई फिल्मों में छायांकन का काम किया है, तो छायांकन उनका ही रहता था। तो उनके परम मित्र थे संजीव कोलते साहब। 2017 में मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले करके मैं दिल्ली में जंतर मंतर में वहाँ आंदोलन करने के लिए गया था, तो वापस जब आया तो ये शूटिंग मुझे वहाँ दिखी। मैं उस दरमियान मेरी मैं जब दिल्ली में था तभी बात हो गई थी कि सुनील भाई ऐसा ऐसा एक फिल्म बन रही है, उसमें तानी करके फिल्म थी। अच्छा। तो उन्होंने तानी का लोकेशन जो है वो आपके घर के पास का लोकेशन उनको पसंद आया, तो क्या आप परमिशन देंगे, क्योंकि बस्ती वालों ने बोला है कि आप सुनील वाघमारे जी से बात कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं तो मिल जाएगा। तो उस दरमियान मेरी संजीव कोलती साहब से बात बात हुई और सुनील जी आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, अभी 4-5 दिन का शेड्यूल हम आपके घर के पास कर रखते हैं और जब तक आप दिल्ली से आ जाते तो आपसे मुलाकात करेंगे। और वैसे ही हुआ, उन्होंने आने के बाद में मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि भाई सुनील भाई आपकी ख्याति मैंने बहुत सुनी है और आप डिवोशनली सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक फिल्म मेरी आ रही है जिसका नाम है पिलंटू, और वो पिलंटू की अच्छी कहानी थी आप सभी जानते हैं, जी टॉकीज पर वो अच्छा चला वो। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं वो चांस देता हूँ तो आप एक दिन आइएगा, तो उन्होंने वो जो वादा किया था 6 महीने बाद वो वादा पूरा किया उन्होंने, और 6 महीने बाद पिलंटू नाम की एक फिल्म आई थी उसमें मुझे उन्होंने प्लेबैक दिया और नागपुर शहर के 2-3 थिएटर में लगी भी थी वो, और नागपुर शहर के अच्छे लोगों ने उसको देखा है। वाघ रंगला मराठी गीत था वो, और उसी से मुझे एक चांस भी उन्होंने दिया कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि संजीव कोलते साहब कि आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया अदा करता हूँ नाना मिसाड़ साहब का और सारे दोस्तों का जिनकी वजह से मुझे ये फिल्म मिली और इस फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला। तो ऐसा ये सिलसिला चलता रहा, इसके लिए मुझे पिलंटो के फिल्म में मुझे चांस मिला है। एक आखिरी सवाल आपसे इस तरीके का था, कहीं ना कहीं जितनी भी नई जनरेशन है जितनी भी विदर्भ का टैलेंट है वो अक्सर छुप जाता है, मतलब छपने की जगह वो छुप जाता है, तो ऐसे जितने भी युवा सिंगर्स हैं उन्हें आप आज BCN के माध्यम से क्या प्रोत्साहन देंगे, उन्हें क्या बताएंगे कि संगीत के क्षेत्र में अगर उन्हें आना है तो इस दिशा में जाए, इस वे में काम करे तो उन्हें सफलता हासिल होगी। देखिए कैसा, चाहे एग्जाम कोई भी हो, आप पढ़ते हो तो पढ़ने का भी सिलसिला जो है वो शुरू रहना चाहिए कहीं ना कहीं, उसको बीच में मतलब कितने भी हालात मुश्किल आए उसमें मतलब वो मुश्किल हालातों में भी उस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, आप अगर आपको जो विषय पसंद आता है उसमें आप काम करिएगा। रही सिंगिंग की बात, तो सिंगिंग में भी आप जो है वो सिलसिला रोज का जो रूटीन है आपको एक, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा एक एकाएक कोई भी मंच जो है मिलता नहीं है, लेकिन ये अगर सिलसिला जारी रहा तो एक दिन मिल ही जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन में उसको एक दिन मिल ही जाती है ऐसा कहते हैं, एक दिन में सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन मिल ही जाती है, ऐसा हमारे बुजुर्गों का हमारे बड़ों का ऐसा कहना है। तो ये सिलसिला जारी रहे और जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें, आप जिस गायक को पसंद करते हैं वहां तक सीमित ना रहें,
अन्य गायकों के भी गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं रवि साहब को फॉलो जरूर करता हूँ, लेकिन बाकी गायकों के भी समय आया क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, मेरे ग्रुप के माध्यम से मुझे किशोरदा के भी गाने गाने पड़ते हैं, तो कभी मनाडे साहब के, तो कभी महेंद्र कपूर साहब के, तो कभी हेमंदा के, कभी तलत महमूद साहब के, तो मैं सिर्फ रफ़ी साहब के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। मतलब कि मैं उनके गाने, ठीक है मैं उनका दामन थाम के चला हूँ, आज जो कुछ भी पहचान मिली रफ़ी साहब की वजह से मिली, लेकिन मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ तो दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि आप किशोरदा के भी गाने गाइए, तो मुझे मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मुझे गाना ही होता है, तो मैं वो भी गाना कैसा है उसका भी टेस्ट ले लेता हूँ, इंजॉय करता हूँ, और मुकेश जी के गाने कैसे हैं उनका भी मैं इंजॉय कर लेता हूँ। तो बाकी के लोगों का भी गाना गाने से क्या हो जाता कि संगीत में सात सुर जरूर है, और सात सुर हैं उसके साथ साथ फिर वो हर गीत जो है किसी ना किसी राग रागनी में बड़े बड़े संगीतकारों ने उसे गाया है। तो तात्पर्य यह है कि हर संगीतकार के गाने गाने से क्या हो जाता कि हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं। रवि साहब के गाने जो है हम गाते 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 अब जाके थोड़ी सी थोड़ा सा आने लगा है, अब ये 37-38 साल का सफ़र है, तब से शुरू है ये, और आज भी मैं हर जगह मैं यही बोलता हूँ कि रफ़ी साहब को गाना कोई मामूली बात नहीं है, या किसी अन्य सिंगर को गाना मामूली बात नहीं है। तो आप ये सिलसिला अगर जारी रखेंगे, कहीं ना कहीं कोशिश करते रहेंगे, एकाएक कोई भी मंजिल मिलती नहीं है, धीरे 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 हमें जाना पड़ता है। क्लास का भी ऐसे ही है, मतलब हम लोग पहली जाएंगे, पहली में हमारा माँ पिताजी एडमिशन दिलाएंगे, फिर दूसरी में जाएंगे, फिर तीसरी में जाएंगे, फिर दसवीं तक आएंगे, फिर कॉलेज शुरू होगा। तो ये कहा है कि आजकल के जो गायक है, ये कराओके सिंगर वाले जो आए हैं अभी, वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें कुछ 2-4-5 गानों में ही कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 गानों में हम लोग, ये संगीत का पूरा ब्रह्मांड है, तो हम लोग कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम अपने क्या तैयारी कर रहे हैं। ये एकाई की तैयारी नहीं है, हमारे जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गायक कलाकार हैं, इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है तब जाके उनको मंजिल मिली है, और आप ये करते रहेंगे लेकिन ये सिलसिला जारी रखिएगा। आप जिसको भी, जिस सिंगर, आप जो नए कलाकार आए हैं उनको भी जारी रखिएगा, उनको भी आप फॉलो करिएगा, लेकिन संघर्ष जो है वो जारी रखिए। कहीं ना कहीं कोई प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लीजिएगा, तो धीरे धीरे ये जो आपका जो हुनर है वो ऊपर वाले की दुआओं से वो निखर कर एक दिन सामने आएगा, आप उसको जारी रखिएगा। मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे, कंसंट्रेशन जितना रहेगा, उसी से हमको सफलता मिलेगी। एक दिन में नहीं मिलेगी, पर जरूर एक दिन में मिल जाएंगे, बिल्कुल। तो एक आपसे बस एक गुजारिश थी कि अगर जिस तरीके से रफी साहब के आपको गाने बहुत अच्छे हैं, लगता तो कोई एक मुखड़ा अगर आप हमारे दर्शकों के सामने पेश करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें आपकी गायकी बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सभी दर्शकों के लिए एक छोटा सा गाना या फिर एक मुखड़ा। जी जी जी, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यू भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप आज हमारे BCN की स्टूडियो में हैं। कहीं ना कहीं जितने भी नए युवा सिंगर्स जो है, जिन्हें ज़रूरत है ऐसे गाइडेंस की, उनको आपने एक अच्छा मोटिवेशन दिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि सफलता भले एक दिन में नहीं मिलती, पर ज़रूर एक दिन मिलेगी, यही सभी जितने भी युवा सिंगर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और कंसंट्रेशन ऑब्वियसली रखना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपको जो सिंगिंग के क्षेत्र में मुकाम हासिल करना है वो आप आसानी से आपको मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे BCN की स्टूडियो में पधारे और इतनी सारी खास आपसे बातचीत हुई, आपके गाने भी सुनने मिले, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार। और हमारे आज की विदर्भ टैलेंट इस शो में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे विदर्भ टैलेंट के अगले एपिसोड में, जहाँ एक और ऐसे हुनरबाज विदर्भा के, उनके सामने मैं आपको पेश करूँगी और साथ ही बहुत सारी उनसे बातें करेंगी। फिलहाल आज के शो में इतना ही, धन्यवाद।